हेलो दोस्तों, देखिए मुंबई इंडियंस के एक ऐसा खिलाड़ी जिसे 17.5 करोड़ रुपए लेने के बाद भी मुंबई की जो लुटिया थी उसको पूरी तरह से डुबो दिया है। हम बात कर रहे हैं कैमरून ग्रीन की। देखिए आरसीबी के पहले मुकाबले में कैमरून ग्रीन पे काफ़ी बड़ा दाव खेला था मुंबई इंडियंस ने और उनको लगा था कि 17.5 करोड़ खिलाड़ी है ये हमारे शानदार आगाज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपने डेब्यू मैच पर फ्रेंचाइजी मुंबई की फ्रेंचाइजी के डेब्यू मैच पर जिस तरह से कारनामा किया कैमरून ग्रीन वो तो देखने लायक भी नहीं है और पूरी तरह से भारत उनको फैंस है मुंबई इंडियंस के उनको पूरी तरह से ट्रोल किया सोशल मीडिया पे और ये कहते देखा गया कि 17.5 करोड़ के जो खिलाड़ी है पूरी तरह से मुंबई की लुटिया जो है उसे डुबो दिया है। देखिए ये कहना गलत नहीं होगा कि 2013 से मुंबई इंडियंस ने कभी भी अपनी ओपनिंग मुकाबला नहीं जीता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं जीत सकते। बिल्कुल जीत सकते हैं, डेफिनेटली जीत सकते हैं अच्छा करेंगे तो, लेकिन ये जो खिलाड़ी है कैमरून ग्रीन कल जो रोहित शर्मा ईशान किशन सूर्य कुमार यादव होने के आउट होने के बाद कैमरून ग्रीन में काफी बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो पारी को लंबा बढ़ाएंगे और एक अच्छा टोटल तक पहुंचाएंगे, लेकिन ऐसा करते नजर नहीं आए और सिर्फ 5 गेंदों पर 4 रन बना के ही आउट हो गए और जब बॉलिंग करने आए तो 2 ओवर में 30 रन लुटा दिया 15 के इकोनॉमी से। तो आप समझ सकते हैं कि क्या बुरी स्थिति थी कैमरून ग्रीन की। एक विकेट जरूर मिला कैमरून ग्रीन का, लेकिन वो विकेट कैसे मिला है वो सबको पता है। देखिए मैं सिंपल ये कह रहा हूं कि देखिए जो बड़े बड़े दाव लगाए जा रहे खिलाड़ियों पर पैसे पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, क्या वो खिलाड़ी इंपैक्ट कुछ पैदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कुछ इंपैक्ट लेके आ रहे हैं टीम में नहीं लिया, ये बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा मार्जिन है। देखिए आगे हो सकता है कैमरून ग्रीन बैटिंग के साथ बॉलिंग के साथ कुछ अच्छे कारनामा करे, लेकिन मैं ये कहना गलत नहीं होगा कल जिस तरह से आउट हुए जिस तरह शॉट लगाया उन्होंने वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और फैंस को भी अच्छा नहीं लगा और जिस तरह से कल बॉलिंग किया वो भी बहुत बेवड़ बॉलिंग किया, खराब बॉलिंग किया जिसके वजह से 2 ओवर में 30 रन बनाया जिसमें 1 विकेट उनको जरूर मिला लेकिन 15 के इकोनॉमिक्स उनको रन पड़े। तो आप समझ सकते हैं कैमरून ग्रीन की क्या हालत है। आगे देखने वाली बात होगी आगे कैसा परफॉर्म करते हैं, लेकिन आरसीबी के खिलाफ ओपनिंग मैच में मुंबई की जो लुटिया थी उसे पूरी तरह से डुबो दिया, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया कैमरून ग्रीन ने। इसका मतलब यह नहीं है कि मुंबई की हार में कैमरून ग्रीन जिम्मेदार है, ऊपर से रोहित शर्मा आपके ईशान किशन सूर्य कुमार यादव भी पूरी तरह से उतने ही जिम्मेदार हैं जितना आपके कैमरून ग्रीन जिम्मेदार हैं। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करना, ख्याल रखिए और मिलते हैं इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।